बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टिचिंग आइडियाज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल और क्रिएटिव बेबी ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। मैं जो भी ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि उस डिज़ाइनिंग से आप लोगों को भी कोई ना कोई आइडिया मिल सके और आप भी अपने कपड़ों को उस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड किसी भी तरह से अपनी आइडियाज़ को लेते हुए उसको डिज़ाइन कर सकें। जैसा कि ये डिज़ाइनिंग मैंने सिंपल शर्ट पे की हुई है, जिस तरह से आजकल सिंपल शर्ट्स का या सिंपल ड्रेसेस का काफ़ी ट्रेंड भी है, तो हम अपनी सिंपल ड्रेस को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मेरे पास एक बेबी ड्रेस है, आप चाहें तो अपना बड़े साइज़ का ड्रेस या किसी भी साइज़ का ड्रेस इसी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या इसी डिज़ाइनिंग से आइडियाज़ लेते हुए ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को स्टिचिंग आती है या थोड़ी बहुत भी वो स्टिचिंग करना जानते हैं, तो उनके लिए सिर्फ यही काफ़ी होता है कि डिज़ाइन देख लिया जाए या डिज़ाइन दिखा दिया जाए तो उसी तरह का बना लेते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि काम ज़्यादा होने की वजह से अक्सर डिज़ाइन की डिटेल वीडियो नहीं बन सकती होती, तो इसी तरह से मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से ये बनी हुई है, ताकि आप भी उस डिज़ाइनिंग को देखकर कम से कम वैसी डिज़ाइनिंग कर सकें या वैसा ड्रेस बना सकें। अब हम इस डिज़ाइनिंग की डिटेल चेक करते हैं कि किस तरह से ये बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम अलग से उतना फैब्रिक लेंगे जितनी हमें इसकी चौड़ाई में या जितनी भी साइज़ के अकॉर्डिंग हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है उसी लेंथ में और उसी विथ में हम अलग से फैब्रिक लेंगे, और फिर फैब्रिक के ऊपर डिज़ाइनिंग करते हुए शर्ट के ऊपर फिर इसको रखकर स्टिच करेंगे। सबसे पहले एक अलग से फैब्रिक लिया गया है और उसके ऊपर लेंथ में 3 पिन टक्स डाली गई हैं, फिर सीडी लेस या कोई भी जॉइंट लेस आप यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ किया गया है, फिर से 3 पिन टक्स डाली गई हैं, सेंटर में बीड्स या पर्ल जो भी आप लगाना चाहें उसके लिए गैप रखा गया है, फिर से 3 पिन टक्स डाली हैं और फिर से सेंटर लेस लगाते हुए फिर से 3 पिन टक्स डाली गई हैं। इतनी डिज़ाइनिंग करने के बाद इसको प्रेस करते हुए शर्ट के ऊपर रखते हुए स्टिच किया गया है, और जो फिर फाइनल स्टिचिंग थी इसकी राउंड शेप में उसको स्टिच करते हुए फिर ऊपर बाद में ये फ्लोरल जो लेस है उसको बाद में ऊपर लगाया गया है। ऊपर से ये एक सिंपल शर्ट की तरह ही बनाई गई है, नीचे इसकी जो चौड़ाई है इसका जो घेर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है नॉर्मल शर्ट से, और छोटे से इसके स्लिट्स बनाए गए हैं। स्लिट्स और दामन के नीचे अलग से पट्टी रखते हुए फिर इसको स्टिच किया गया है, सेम कलर में ही पट्टी लगाई गई है और जो स्लिट्स हैं उनकी ऊपर से जो स्टिचिंग है वो इस तरह से कोने के जैसी बनाई गई है। फ्रंट और बैक का जो दामन है वो राउंड रखा गया है। स्लीव्स इसके ऊपर से नॉर्मल बनाए गए हैं, नीचे से हल्की सी अम्ब्रेला शेप में अलग से फैब्रिक लगाते हुए बनाए गए हैं और ऊपर एक झालर वाली लेस लगाई गई है। तो ये थी आज के हमारी ड्रेस की फाइनल लुक। आई होप कि आज की डिज़ाइनिंग भी आपको पसंद आई होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द क्रिएटिव एंड लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।